एक बार कह दिया, हजार बार कह दिया, हमने जिस लड़के को पसंद किया है उसी से तुम्हारा विवाह होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन उससे विवाह ना करूंगी जिससे मुझे प्रेम नहीं। प्रेम? छोकरे रामदास के बहकाने में आ गई, इसीलिए ये जिद है। हमने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था या प्रेम करने के लिए? अगर रामदास के पास पैसा होता तो एक बात भी थी। पैसा ना सही, इल्म तो है, कॉलेज में अव्वल आए हैं। तो इल्म को लेकर क्या चाटेगा? आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे गलियों की खाक छानते फिरते हैं, पैसा पास नहीं तो क्या खुद खाएगा, क्या तुझे खिलाएगा? ये आराम व आसाइश जिसकी तुझे आदत पड़ी हुई है रामदास तुझे दे सकेगा? महाराज पधारिए। महाराज आप अच्छे वक्त आए, जरा इस जिद्दी छोकरी को समझाइए। हमने इसका विवाह एक अच्छे और अमीर घराने में तय कर दिया है लेकिन ये मानती ही नहीं। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा था लेकिन मैं प्रेम की राह में नहीं आना चाहता। बहुत दिनों की बात नहीं, मैं भी एक संसारी था, घोर संसारी। यकायक ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण मैंने संसार को त्याग दिया और सेवा का व्रत लेकर मैं आश्रम में दाखिल हुआ। इस बात को अब तक कोई नहीं जानता, आज आपको बतलाता हूं। शायद इस मामले के तय करने में आपकी मदद करे। यहां से दूर, बहुत दूर, नदी पार, पहाड़ियों की गोद में हमारा छोटा सा शहर आबाद था, जहां हीरा देवी और शांति देवी नाम की दो विधवाएं रहती थीं। हीरा के एक लड़का था जगत, शांति की एक लड़की थी माया। जब जगत और माया बड़े हुए, मैं अपने बेटे का ब्याह चंद्रकांत जी की बहन के साथ करने को तैयार हूँ लेकिन दहान दे अच्छा लूंगी। क्यों शांति? पंडित जी, जगत ने यहाँ की पढ़ाई खत्म कर ली, अब आगे पढ़ने के लिए वो बंबई जाना चाहता है, इसके लिए रुपए की जरूरत है, इसीलिए हीरा बहन दहेज मांगती हैं। हीरा देवी जी, आप चिंता न कीजिए, चंद्रकांत जी अपनी बहन के लिए कमी न करेंगे, अकेला दम है और रुपया बेगिनत। वो ब्याह क्यों नहीं करते? जी उन्हें चाहिए परिस्तान की परी, और वो आवे कहां से? आपने हमारी माया को भी देखा? कौन माया? शांति बहन की बेटी, ठहरिए बुलाती हूँ। माया, ए माया! तुमने बुलाया चाची? हाँ, आ पंडित जी को प्रणाम कर। सौभाग्यवती हो बेटी। अरे इसे तो मैंने इतना सा देखा था। वाह, साक्षात देवी है। देवी जी, कुछ खबर भी है बसंत की? पंडित जी तुम्हारा
और जगत का ब्याह ठीक कर रहे हैं। छोड़ो चाची। अरे सुन तो। बुलबुल, ओ बुलबुल, सुना चाची ने मुझसे अभी क्या कहा? देवी जी, कुछ खबर भी है बसंत की? पंडित जी तुम्हारा और जगत का ब्याह ठीक कर रहे हैं। पर क्यों रे बुलबुल, माँ और चाची से किसने कहा कि मैं इन्हें चाहती हूँ? तूने कहा होगा? नहीं, जरूर कहा। मैंने तेरे स्वार किसी से कहा ही नहीं, शैतान कहीं का। जा, माफ किया। अच्छा तो मैं जाके दोनों विवाह ठीक किए देता हूँ। बड़ी कृपा होगी पंडित जी। भगवान की कृपा से दोनों ब्याह ठीक हो जाए तो सर का बोझ हल्का हो जाए। और क्या, उधर माया के हाथ पीले हो जाए, इधर जगत की पढ़ाई का बंदोबस्त हो जाए। भगवान दास जी ने लिखा तो है कि पढ़ाई खत्म होने तक जगत उन्हीं के घर रहे, लेकिन इतने दिन तक किसी के घर थोड़ा ही रहा जाता है। फिर और भी तो खर्च है, कॉलेज की फीस, किताब कापी, ये वो। यही तो, जो दहेज में रुपया मिल जाए तो सब चिंता दूर हो जाए। देखो भगवान मालिक है, पंडित जी कहे तो गए हैं। माँ, कॉलेज के दाखिले के बारे में मैं सब कुछ मालूम कराया हूँ। अब मुझे जल्द बंबई चला जाना चाहिए, वरना दाखिला बंद हो जाएगा। अभी दो चार दिन फिर तेरे ब्याह की बात हो रही है। ब्याह? अभी से? पहले पढ़ाई तो खत्म कर लो। तो बहू क्या तुझे पढ़ने से रोक देगी? तेरे भाग से कोई सरस्वती मिल गई तो कहीं से कहीं पहुंचा देगी। और अगर किसी फूहड़ से पाला पड़ गया तो? तो खुद पढ़ने की बजाय उसे पढ़ाना शुरू कर देना। और क्या, इलम पढ़ने से भी बढ़ता है और पढ़ाने से भी। नहीं नहीं, मैं अभी इस बंधन में नहीं फंसना चाहता। जो तू कहेगा वो होगा या जो मैं चाहूंगी वो। तो कौन है वो, किससे विवाह होगा? ठहर। अभी क्यों नहीं बता दी? अगर बता भी दिया तो तुझे क्या मालूम होगा कि लड़की कौन है? मैं भी कैसी बावली हूँ, चाची उन्हें तंग करने के लिए लड़की का नाम नहीं बताती। मैं बता दूंगी। हाँ
उषा, भगवान करे मेरे बेटे जगत के लिए तू सुख संपत्त लाए। मैं पत्रा देख के दोनों विवाहों के दिन ठीक किए देता हूँ। चंद्रकांत जी तो माया को देखना चाहते हैं, इसलिए पहले जगत और उषा के विवाह का ठीक कर दीजिए। नहीं जी, पहले इन्हें माया को देख लेने दो। मैं चाहती हूँ दोनों विवाह साथ साथ हों। अच्छी बात है, तो मैं आकर देख लूंगा। कोई है? साहब, माया के रूप रंग की क्या तारीफ करूं, परी है। आप दिया लेके भी ढूंढेंगे तो उस जैसी सुंदरी ना मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है। बुद्धू बोतल ला और सोनाबाई के यहां खबर भेज दे कि आज शाम को हम गाना सुनने आएंगे। चंद्रकांत जी, हमारा शहर छोटा सा है, जरा से में बात फैल जाती है। आप अपनी बहन का विवाह हीरा देवी के लड़के से करना चाहते हैं तो इन बातों को बंद कीजिए। उसे लाख गरज हो तो मेरी बहन से विवाह करे। पंडित जी, फिर एक बात और है, शांति देवी को मालूम हो गया तो मुमकिन है वो अपनी लेने से इनकार कर दे। उनकी लड़की उन्हें मुबारक। अभी आपने उसे देखा नहीं? मैंने गिन डारी तोरी पंखियां, मन की क्या डारी बत्तियां, है फूल न जाना भूल, संदेशवा दे देना उनको। भला किनको? कहा जिनको संदेशवा दे दो। ना दूंगी संदेशवा तुझको, खिला है आज तो तू कल मुरझा जाएगा। संदेशवा खुशबू को दे दो, जाएगा फूल मगर खुशबू रह जाएगी। कब तक? कल तक? नहीं, सदा। पहले ये बताओ कि तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? कौन सी बात? उन्होंने तुमसे विवाह करने को नहीं कहा? ओह, अव्वल तो मुझे यही नहीं मालूम कि विवाह होगा किससे। मुझे मालूम है। अच्छा, हमें भी बताओ। तुम ये बताओ, बम्बई जाने से पहले विवाह क्यों नहीं करना चाहते? पहले मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुनोगी? अच्छा, बैठो। मैं चाहता हूँ कि मेहनत से पढ़ूं, इम्तहान पास करूं, जिंदगी को कामयाब बनाऊं, फिर देश के लिए कुछ करूं। जगत नारायण अव्वल आए। मुबारक हो। बधाई है भाई, मिठाई खिलवाओ। हाँ जरूर जरूर। मैं सफाई के वकील बाबू जगत नारायण को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हस्ते मामूल आज भी अपनी काबिलियत और तजुर्बे से अदालत को सही फैसले पर पहुंचने में मदद दी।
माननीय बाबू जगत नारायण साहब, आपने अपनी गाड़ी कमाई के 25 लाख रुपए से ये कॉलेज खोलकर अपने शहर का बड़ा उपकार किया। अब आपकी कृपा से शहर का गरीब से गरीब लड़का भी यूनिवर्सिटी के ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक यहीं पढ़ सकेगा। क्यों माया, मेरा स्वप्न तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? तुम्हारे स्वप्न में मेरे लिए जगह नहीं। माया, तुम स्वप्न नहीं सत्य हो। जी हाँ, तभी तो आपको ख्वाब में भी मेरा ख्याल नहीं आता, और मेरा कोई ख्याल कोई स्वप्न तुमसे खाली नहीं। अच्छा, हमें ना सुनाओगी? सुनो। अच्छा बताओ, खाना कौन अच्छा बनाती है? माँ या बहू? माँ तो यहाँ नहीं है। बहू? बहू अच्छा बनाती है। जी हाँ। सच? कह रहे मोहन, बाबू अच्छा है या माँ? कहते माँ, माँ पे बेटा को छुनक मुनक छी बाबर ला देगी। बेटा, मैंने तेरे लिए चंदा सी बहू देख ली है। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ, भगवान ने मरते दम तक मेरी मांग का सिंदूर बनाए रखा। मुझे तुम्हारा आखिरी ख्वाब पसंद नहीं। क्यों? तुम चली जाओगी और हमें अकेला छोड़ जाओगी। और आप जो हमें छोड़कर बंबई जाना चाहते हैं? मगर मैं तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। हमें भी साथ क्यों नहीं ले चलते? कैसे? माँ ने विवाह करने को नहीं कहा? हाँ हाँ, मगर उससे और तुम्हारे बंबई जाने से क्या संबंध? आप तो समझते ही नहीं। माया, क्या सच? माँ ने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि वो तुमसे मेरा विवाह करना चाहती हैं? तुम्हें इनकार ही क्यों करता? शांति, अब बड़ी मुश्किल आई। इसका तो शान गुमान भी न था। इन्हें फौरन एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। जरूर। और कैसे? जगत बंबई जाना चाहता है, उसे बंबई जाने। हाँ, और इधर माया को समझा बुझाकर किसी तरह चंद्रकांत से ब्याह दे। फिर जगत को बंबई से बुला के उसका ब्याह उषा से कर दे। ये तुम यहाँ बैठे हो जगत, मैं सारे में देख आई। यहाँ क्या कर रही हो माया? जाके कुछ कामकाज देखो। जगत, कॉलेज का दाखिला बंद हो गया तो तुम्हारा एक साल मारा जाएगा, इसलिए तुम फौरन बम्बई चले जाओ। अच्छा। हाँ जाओ, भगवान दास जी को तार दे दो कि तुम आ रहे हो। जगत कॉलेज में दाखिला कराने के लिए बंबई चला गया, ये भी अच्छा हुआ। उसके वापस आने तक आपकी बात भी पक्की हो जाएगी और दोनों विवाह साथ साथ हो जाएंगे। अभी लड़की को तो देखा ही नहीं, विवाह का क्या जिक्र।
सच पूछिए तो मुझे विवाह पसंद नहीं, मैं तो आजाद रहना चाहता हूँ। जरा उसे एक नजर देख तो लीजिए, तब कहिएगा। भैया हम भी लड़की को देखने चलेंगे। हाँ, लड़की को देखने या किसी और को? हटो भी। देख लेती तो अच्छा ही था, लेकिन जगत तो बंबई चला गया। हाँ, मगर जब की बंबई और अब की बंबई में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम अपने पिताजी के साथ आए थे तो इतने से थे, उस वक्त की तो तुम्हें क्या याद होगी। कुछ ख्याल का तो है। दादा भगवान दास जी, आपके यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो खेल खेल में मुझसे बिगड़ जाया करती थी। ओ, मेरी लड़की रमला, वो तो तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ रही थी, लेकिन रिहर्सल की वजह से रुक गई। रिहर्सल? हाँ, रमला और उसके कुछ साथी गरीब और मोहताजों की मदद के लिए टिकट लगाकर एक तमाशा करने वाले हैं, जिसमें नाच और गाना भी होगा। अच्छा, कहाँ? अपनी ही कोठी में। घबराओ मत, तुम भी पकड़े जाओगे। रमला सुन चुकी है कि तुम अच्छा गाते हो और उसने गाना तैयार किया है जिसे तुम और वो दोनों मिलकर गाओगे। अच्छा। रमला हम तो थक गए, ये नाच जो अभी दिखाया है अच्छा तो है? जी हाँ, मालन के नाच में ही ऐसा क्या रखा है? भाई कृपा करो, इन लोगों ने मालन का नाच नहीं देखा। अच्छी बात है। अरे कोई है? कुछ फूल के गमले लाओ। Thank you.
चाहिए रस के प्याले गल बहियों का हाल। तुम हो रस के गाहक रसिया अपनी को के यार, फूलन की बगिया है ये है नहीं रूप बाजार। जाओ जाओ अज लाओ लाओ क्या फूल चमेली मालनियाल दे दे मालनियाल दे दे। आप लोगों ने दोनों नाच देख लिए, अब बतलाइए तमाशे में कौन सा नाच रखा जाए। पहला नाच अच्छा है, क्यों मोतीलाल जी? जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। बस तो तमाशे में पहला नाच दिखाएंगे। अच्छा तो पहले नाच दिखाएंगे, अब तमाशे में रंग आ जाएगा। रमला लो ये जगत नारायण आ गए। ओहो आइए आइए, आपका तो बहुत इंतजार था। मिस्टर जगत नारायण जिनका जिक्र मैं आपसे कर चुकी हूँ, मिस प्रभा, मिस्टर शर्मा, मिस इंदिरा, मिस्टर मोतीलाल। आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ, सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ गाना। अजी ये शर्मा रहे हैं, लो तो रमला अब इनका और अपना गाना बिठा लो। नहीं नहीं, ये अभी थके हुए आए हैं, जरा आराम कर लेने दो, चलो अपने कमरे में चलो। प्रभा मिस्टर जगत नारायण के आने तक अपने गाने की ही मश्क कर लो। अच्छी बात है। हाँ
दरियों में संदेशवा भेजवाता लहराते मदमाती बलभाते इचलाती मैं तो किनारे जाती हूँ वो साथ साथ खेलना साथ साथ गाना याद आता है। घर में आती हूँ वो सुर आंखों में फिरती है माँ तुम ही बताओ मैं सब को कैसे भूल जाऊं लीजिए मैं आपका गाना ले आई मगर मैं तो अभी गवाहियों कैसे नखरे न कीजिए नखरे नहीं मैं वाकई अच्छा नहीं गाता तो बुरा ही गा दीजिएगा ये गाना नहीं प्रभा तमाशे में वो बरखा आएगा ही वाला गाना गाओ जी हाँ बरसात का मौसम है वो गाना खूब जमेगा रमला कहाँ गई मिस्टर जगत नारायण के पास गाना लेकर गई है उठ उठ सजनी गई दुख रजनी घोर भयो सुखकारी अमला ये ज्यादा अच्छा होगा कि इस मोहब्बत के सीन का रिहर्सल बजाय यहाँ के वहाँ रिहर्सल रूम में करो अच्छाई बुराई को मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपके बताने की कोई जरूरत नहीं मगर तुम्हें बदनामी से बचाने की जरूरत तो है तुम्हें ये न भूलना चाहिए कि हमारी शादी होने वाली है जब हो जाए तब अपने अदब आदाब सिखा दीजिएगा अभी नहीं मिस्टर मोतीलाल गलती मेरी है मुझे ठीक वक्त पर रिहर्सल रूम में पहुंच जाना चाहिए था अब मैं वहीं जाता हूं तुझे इतना ख्याल नहीं कि हीरा बहन ने हमारे साथ कितनी नेकी की हमें आसरा दिया खिलाया पिलाया बड़े प्यार से रखा और इसके बदले में तू उनके एकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है तुझे शर्म नहीं आती जी हाँ मैंने विवाह का दिन देख लिया लेकिन शांति देवी माया को लेकर अभी क्यों नहीं आ माया आने से समाधि होगी मैं लाती कुछ समझ में नहीं आता आध घंटा इंतजार करते हो गया और लड़की अभी तक नहीं आई और यही तो क्या उषा से जगत का ब्याह न हुआ तो जगत की पढ़ाई रुक जाएगी तुम चंद्रकांत से ब्याह नहीं कर सकती लेकिन जगत को खाक में मिला सकती हो अजीब ब्याह व्याह तो पीछे देखा जाएगा बेटी चंद्रकांत जी हमारे बुलाने पर तुम्हें देखने को आए हैं इतनी देर बैठे बैठे हो गई क्या कहते होंगे बड़ी बदनामी की बात है अच्छा
चलती हूँ। ठहर। ये मामला क्या है? जो अंदर जाता है वो वहीं का हो रहता है। उषा जरा जाकर देखो तो। वाह, बिन बुलाए कैसे अंदर चली जाऊं? जय भगवान की। तो अब इस विवाह का दिन भी ठीक किया देता हूं। रिहर्सल बंद करो और कुछ खा पी लो। बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा गाना। बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा मिस्टर शर्मा। शर्मा ये नहीं, शर्मा शर्मा तो नहीं, शुक्रिया मिस्टर जगत, शुक्रिया। ओ मिस्टर जगत नारायण, आप ना पियेंगे? जी नहीं, मैं नहीं पीता। खैरियत है, वरना आप पीकर जरूर भाग जाते। मोतीलाल जी, इसके कहने की तो कोई जरूरत न थी, ये कहां की शराफत है? इसके माने हैं कि मैं शरीफ नहीं। बहुत अच्छा, ऐसी हालत में आपको मुझसे विवाह न करना चाहिए, आपकी तौहीन होगी।
साल जो वादा किया था वो याद है? जी हाँ, आज के बाद रमला देवी मेरी सूरत देखना पसंद न करेंगी। ऐसा क्या करोगे? अभी मालूम हो जाएगा, आप फिक्र न कीजिए। अरे अभी आप यहीं खड़े हैं? जाइए कपड़े उपड़े बदलिए, हमारा तीसरा सीन है। जाता हूँ। आप ना खरीदेंगे? जरूर, कहिए क्या दे दूं? बस जेब उलट दीजिए बस। अच्छा आहा, आप आ गए। ये कैसे हो सकता था कि मैं तुम्हें यानी तुम्हारे खेल को देखने ना आता? सीन की तैयारी न करनी होती तो तुम्हारा नाच जरूर देखती। क्या नाच है? क्या अब बनो मत। सुना है कोई मिस्टर जगत नारायण आए जो बहुत अच्छा गाते हैं? जी हाँ, कहते हैं आज के तमाशे में उनका और रमला देवी का गाना सबसे अच्छा है। आप ही बाबू जगत नारायण? ओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो आप ही का गाना सुनने आए हैं। मेरी किस्मत जी, आप जो उम्मीदें लेकर आए हैं वो पूरी नहीं हुई तो आप मुझे गालियां देंगे। नहीं नहीं, वो तमाशा शुरू होता है। मन्नू कुछ पीने को दो। क्या पीजिएगा? लेमिनेट? नहीं, विस्की सोडा। जी विस्की सोडा। केक देना। एक पे गौर दो।
हाथों की लाली, क्या हाथों की लाली है हिना, बहुत शर्माई हुई पाती पाती मुरझाई हुई, बेकसी चमन पर छाई हुई था, चमन को जिस पर नाद किसी ने मेहंदी की लाली ले ली, क्या हाथों की लाली। मजा आएगा, जगत भैया आ रहे हैं। हैं? कब? गाड़ी के बाबत तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन बंबई से चल चुके हैं। तू ऊपर जा रहा है, देख रहा शांति को ना भेज दे। माया बीबी के शादी की बख्शीश ना मिलेगी? हाँ हाँ। लो क्या है हीरा? जगत आ रहा है। हैं? ब्याह के बीच में पहुंच गया तो कहीं गड़बड़ न मचा दे। बारी भी आने वाली है। हंसी छोड़ो, बारात दरवाजे पर तैयार खड़ी है, उधर माया भाभी सज धज कर तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई। Thank you.
जगत को तो रमला का ख्याल भी ना होगा, लेकिन ये बिचारी उसकी याद में मरी जाती है। देखो ना, आज सिनेमा ले गए थे कि जरा जी बहलेगा, लेकिन उसने फिल्म की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। ताज्जुब है कि रमला जैसी सुंदरी भी जगत का मन ना मोह सकी। मेरा ख्याल है कि उनका मन किसी और से अटका है। माया कहाँ गई? माँ? माया ससुराल गई बेटा।
कितनी दूर है? बस आ गया। ये क्या बाजे, क्या आवाज आ रहा? बाजा कैसे? जगत बाबू का ब्याह है ना। बाबू का ब्याह? खैर बाबू। हाँ स्टेशन। यहाँ कोई होटल भी है? होटल वोटल तो कोई नहीं है। तब मुसाफिर कहाँ ठहरते? मुसलमान सराय में ठहरते, हिंदू के लिए एक मंदिर है। मंदिर चलो। तुम्हें मालूम है बाबू जगत नारायण का विवाह कहाँ हो रहा है? जो चंद्रकांत बाबू है ना, उसके वंश से। मन्नू, मन्नू। हुजूर, खाने में क्या देर है? रमला बीबी का इंतजार है। रमला कहाँ गई? मालूम नहीं सरकार, दोपहर भी खाने को नहीं आई। क्या खाने को मना कर गई थी? जी नहीं। ये क्या बात है, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। देखना गैराज में उसकी कार है। विवाहता है या कुआरी? कहाँ से आई है? यहाँ क्या काम है? मैं आप ठहर जाती, मंदिर में तुम्हें क्या आराम मिलेगा? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं हिंदू, मुझे यहाँ ठहरने का हक है। अच्छा ठहरने दो। हेलो इंदिरा, वहां रमला आई है? नहीं, सिनेमा जाने को। प्रभा के यहां? अच्छा फोन करता हूं। हेलो हेलो प्रभा, हाँ मैं तुम्ही से दरियाफ्त करता था, वहां नहीं आई। तब कहां गई? हुजूर, रमला बीबी की कार गैराज में है, ड्राइवर बहुत देर से उनका इंतजार कर रहा है। क्यों? वो कहता है कि रमला बीवी ने सवेरे कहा था कि शाम को प्रभा बीवी और इंदिरा बीवी को साथ लेकर सिनेमा देखने जाएंगे, तुम तैयार रहना। ये क्या माजरा है, कहां गई रमला? इस तरह तो वो कभी नहीं जाती। मन्नू सरकार, कार तैयार करा, देखता हूं रमला कहां गई। जगत को एक दफा जी भर के देख लूं, बस प्राप्ते वांछितं फलं ततोर्भवति मंगलम्।
आप बाबू चंद्रकांत का मकान बता सकते हैं जहाँ विवाह है? थोड़ी दूर है, सीधी चली जाइए। देख लो मैंने क्या कहा था, देवी जी नदारत हैं, जवान औरत रात को घूमने निकली है। लक्षण अच्छे नहीं। लक्षण अच्छे क्या, मैं कह देती हूँ मंदिर का नाम बदनाम करके जाएगी, औरत अच्छी नहीं। रक्षा करना। पूजन का थाल मेरे हाथ से क्यों गिर गया? कुछ अशुभ ना हो जाए? हे भगवान, जगत पर कोई आफत ना आने पाए। चलो भगवान की कृपा से जगत का विवाह भी हो गया। हो तो गया पंडित जी, पर वो पूजन का थाल जो गिरा ये अच्छा न हुआ। अजी उसका तो कोई शुभ दिन देख के उपाय करते हैं, पर माया की तरफ से मुझे बहुत चिंता है। क्यों, क्या बात है? चंद्रकांत जी शिकायत करते थे कि वो उनसे बोलती तक नहीं, उनकी सूरत से भागती है। चंद्रकांत बाबू का स्वभाव बहुत बुरा है, न जाने क्या कर बैठे। जी नहीं, नहीं आए, पता नहीं कब लौटेंगे। शुक्र है परमात्मा का मोतीलाल अभी नहीं आया, वो इस वक्त यहाँ होता तो आसमान सर पर उठा लेता। जी हाँ, वो बड़ा जालिम आदमी है। उनके पहुँचने से पहले पहले रमला को तलाश कर लेना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि जगत को तार दे दीजिए। लीजिए, मैंने लिख भी दिया। लाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि उस रोज के वाकये के बाद रमला जगत के पास हरगिज न जाएगी। तब कहाँ गई? कल सारी रात आप तलाश करते रहे, बम्बई में होती तो मिल ना जाती। जी बम्बई भी कोई छोटा सा शहर है, चलिए फिर देखें। लाला भगवान दास जी ने टेलीफोन किया था कि सरकार कब लौटेंगे, मैंने कह दिया पता नहीं, मुझे मालूम। अच्छा हेलो, भगवान दास जी घर पर हैं? अरे मोतीलाल जी आ गए। अब हुजूर जी नहीं, कहां गए?
और रमला देवी है? क्या सरकार वो भी कहीं गई हैं? पता नहीं, वापस आने पर इत्तला कर देना कि हम आ गए हैं और मिलने आएंगे। बड़ा बुरा हुआ, क्या करूं? सरकार को कैसे खबर दूं? न जाने कहां होंगे। अगर जगत ने उषा के साथ वैसा बर्ताव किया जैसा माया मेरे साथ करती है तो मैं उषा को उसके यहां हर कितना जाने दूंगा। माया की बात तो मान ली, लेकिन जगत के बारे में आप ऐसा क्यों कहते हैं? यूं कहता हूं कि विवाह भर उनकी सूरत पर नहुसत बरसती रही, फेरों के वक्त नहीं देखा, मुंह तोबड़ा बना हुआ था, इधर उषा के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं, न ये खुश न वो। इसकी बाबत मैं जगत की मां से बात कर लूंगा। माया के बारे में उसकी मां से कह दिया है, वो उसे समझा दे। बस समझ चुकी। न जाने किस मनहूस घड़ी में आपने ये विवाह तय किए थे, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद न हो जाए तो कहना। वहां भी नहीं है। प्रभा बीबी जी हैं? नहीं। इंदिरा बीबी जी हैं? नहीं। सरकार भगवान दास जी वहां आए तो ये खबर कर दीजिएगा कि मोतीलाल जी लौट आए हैं। मन्नू आए? नहीं सरकार। कब तक आएंगे? पता नहीं सरकार। अच्छा, हम इंतजार करते हैं। ये तो रमला की लिखाई है। मन्नू, मन्नू, हुजूर, रमला बंबई ही में? हां सरकार, अब आती होंगी। झूठे बाजी मक्कार, हमसे चल सकता है? रमला जगत के पास गई है, जगत के पास, जगत के पास गई है रमला देवी जी। ठहरो, इन दोनों को खूब मजा चखाता हूं। मन्नू, तुमने टेलीफोन किया था कि मोतीलाल आ गए? हाँ बीबी जी, अभी अभी यही थे, मेरा ये हाल कर गए। क्यों? सरकार, गुलाम ने कहा कि रमला बीबी बंबई में है, सो क्या? उन्होंने उठते ही मुझे पाजी, झूठा, मक्कार कहा और पीट दिया। क्यों?
कहने लगे कि रमला बंबई में नहीं है, वो जगत के पास गई। क्या कहता है? हाँ सरकार। उसे कैसे मालूम हुआ? खत से। कैसा खत? साफ साफ क्यों नहीं बताता? ठहरिए, घबराओ मत मुन्नू। किसका खत था? मालूम नहीं सरकार। उसके पास कहाँ से आया? यहाँ डाक धरी थी, मत उसमें से न ले लिया हो। रमला का खत होगा आपके नाम। सरकार गाड़ी तैयार है, सरकार कोई पूछे तो क्या कह दे, कब तक लौटेंगे? कह देना कि मालूम नहीं, शहर से बाहर गए हैं। उसे आपका खत पढ़ने का हक क्या था? न मालूम उसमें और क्या क्या लिखा होगा। आप मोतीलाल से इतना डरते क्यों हैं? अभी टेलीफोन करके सब हाल मालूम किए लेते हैं। हेलो हेलो, मोतीलाल जी हैं? जी नहीं, वो तो बाहर गए, मालूम नहीं कहाँ। जी हाँ, रेल से। कहाँ गया होगा मोतीलाल? जगत और रामला के पीछे, तब उनकी खैर नहीं। तब चलिए, मैं और आप चले। जगत का है, रमला वहां नहीं पहुंची। तब कहां गई? ऐसे जाओ, आगे बरंडा मिलेगा जिसमें एक दरवाजा है, वही जगत नाम का कमरा है। उषा, दिल पर किसी का बस नहीं, मैं मजबूर हूं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। तब आपने मुझसे विवाह क्यों किया? क्या करता, मां तुम्हारे भाई को जबान दे चुकी थी। उषा उषा, मुझे माफ करो, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। और से क्यों क्यों नहीं कहता कि रमला से? ठहर, मैं तेरा और रमला का खात्मा ही किए देता हूं। रात में मैं यहां रहूं या बाहर जाऊं, तुम्हें क्या? हमें कहते नहीं, यहां रहोगे तो चलन से रहना पड़ेगा। बको मत, हमारा चलन ठीक है। इस बुराई में मत रहना मेम साहब, हम मूर्ति चिड़िया पहचानते हैं। जवान लड़की घरवाले से एकली निकल पड़ी, इसका मतलब है कि मैं अच्छी नहीं हूं। अजी तुम दूध की धूली सही, पर मंदिर में रहने लायक नहीं। मैं आज सच बात मालूम करके छोड़ूंगा। बताओ तुम मुझसे क्यों भागती हो, बोलो बताओ। अजी किसके मुंह लगते हो, हाथ पकड़ के निकाल भाग करो। चलो निकलो। आपकी स्त्री, मेरा आपका जीवन भर का साथ, इस तरह कैसे निभेगा? बचपन से हृदय उनकी पूजा करता रहा है, भगवान जानता है मैंने कितनी कोशिश की, दिल पर जबर किया, लेकिन उन्हें ना भूल सके, ना भूल सके।
सौभागन के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं। यही आपका न्याय, यही आपका धर्म है। उषा, मैं जानता हूँ दिल में सिवा तुम्हारे किसी और को जगह देना पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। भगवान जानता है मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन उसे न भूल सका, न भूल सका। वचन और कर्म से मैं सदा आपकी रहूंगी, लेकिन मन पर मेरा बस नहीं। उसे नहीं भूल सकते तो आपका स्थान मेरे पास नहीं, उसी के पास है। मेरे पास सिवा दुख के आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप वहीं जाइए। तब मुझसे और मेरे घर से कोई रास्ता नहीं। आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं। आपको मेरी सूरत से नफरत है। आप मेरे पास ना रहिए, उसी के पास जाइए, जाइए, जाइए। नशे में धुत है, बोधी को घर से निकाल दिया। चलो फौजी को घर में ले आए, नशा उतर जाने पर सरकार का गुस्सा आप ही ठंडा हो जाएगा।
बचपन से हृदय उनकी पूजा करता रहा है। भगवान जानता है मैंने कितनी कोशिश की, दिल पर जबर किया, लेकिन उन्हें ना भूल सकी, ना भूल सकी। माया जगत को कैसे भूल सकती, कैसे भूल सकती माया, माया, माया। उषा, मैं जानता हूं दिन में सिवा तुम्हारे किसी और को जगह देना पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूं। भगवान जानता है मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन उसे न भूल सका, न भूल सका। उनका कोई कसूर नहीं, वो माया को नहीं भूल सकती। नाथ मुझे क्षमा करो, नाथ कहां गए? कब से मुझे ढूंढ रहे हैं? में वो कहां होंगे? चलिए उन्हें ढूंढे। तुम्हें मालूम हो गया कि मैं प्रेम की राह में क्यों नहीं आना चाहता। बेटी, जिससे तू प्रेम करती है उसी से तेरा विवाह होगा।